मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने वर्कआउट कर लिया है कंप्लीट, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। पर आज ठंडी हवा चल रही है, धूप नहीं निकली, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे बारिश आ सकती है। पर हम तो चलते हैं हम घर पर। चलो आज मैं ग्राउंड पर से आ गया, अब पीते हैं अपना दूध। और मम्मी बिस्कुट ला रही है, पता नहीं कहाँ पर रह गई। ले आवे थी मी खंडा दिए, मम्मी ने बिस्कुट खंडा दिए। इतने इतना कष्ट करने की जरूरत है? मैं खुद ही पाड़ लियो। मैं लिया। ये देखो भाई क्या कर दिया मम्मी ने बिस्कुट का, खाने का जी करा था। मेरा हमने चलो भी खाते हैं। गाइस मैंने दूध पी लिया, अब घूमने फिरने जा रहा हूँ। ऊपर पहले मैंने थोड़ा सो गया, थोड़ी देर मतलब करीब आधे घंटे सो गया। अब उठकर अब काड़ा बुला लिया, अब चलते घूमने फिरने। चलो गाइस वो काली मक्को वहां पर पानी पी रही है। ए काली मक्को, काली मक्को कड़ा जा रु जाए, काड़ा काड़ा जा गेट का धुंधला ला दिए सत्यागा नहीं तो है। इतना क्यों फोड़ रहा है कड़ा? रुक जा, आ लिया कट जा तू। खाना खा लिया, अब थोड़ी देर सोऊंगा, रेस्ट हो गया। आज मुझे नींद आ रही है, प्रैक्टिस भी अच्छी हुई, अच्छा खाना था, फिर घूम फिर आए। नींद थोड़ी रह रही है, नींद पूरी होने में कसर सी, तो थोड़ी देर सोते हैं फिर कुछ करते हैं। मैंने खाना खा लिया था जब, अब फिर सो गया था मैं थोड़ी देर, मतलब नींद आ रही थी, थकान हो रही थी रात को। अच्छा रिलैक्स हो गया, सो गया। अब प्रतीक आ रहा है उसके साथ, खेत में जा रहे हैं मरसम लेने। चलो गाइस प्रतीक आ गया है, अब चलते हैं हम खेत में। आज वो कबड्डी वाली टी शर्ट पहन रहा है, क्या बात है, हैं? चलो भाई हम खेत में पहुंच चुके, और मैंने दराती बगा दी और दराती की पलिश में टटक गई मेरा ताना, मतलब निशाना मेरा। बाइक यहाँ पर पार्क कर दी, अब प्रतीक अपना कार्य करेगा। चल भाई हो जा स्टार्ट। तो गाइस प्रतीक ने बरसम काट ली सारी, अब इसको पैक करते हैं, उठाते हैं, फिर चलते हैं घर पर। चलो गाइस खेत में से आ गए, अब मुझे भूख लग रही है तो मैगी बनाता हूँ। मैं मैगी खा लेता हूँ, दो दिन हो गए मैगी खाए भी। चलो मैगी खाते हैं। गाइस अपनी मैगी आ गई है, कैंटीन में से लाई थी मैंने, तो अब इनको बनाते हैं भाई अपने। यहाँ पर हटा दी क्या है, लस्सी, लस्सी तो मैगी के साथ पियेंगे। इसमें घी है, तो मैगी हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो गाइस पहले तो प्याज कट कर लेते हैं, एक प्याज वाली बनाएंगे आज छोक लगा के अच्छी तरह। चलो प्याज ले लिया मैंने, एक कटोरी, छीलते हैं। चलो गाइस मैं प्याज कट कर रहा था, फिर प्याज को गुस्सा आया, उसने मुझे पीट दिया। अब देखो मुझे मार मार के मेरे आंसू तक निकाल दिए, पर मैंने भी हार नहीं मानी, इसको काट कर माना मैंने भी। मैंने प्याज को काट दिया, प्याज ने मेरे को पीट दिया। गाइस मैंने गैस स्टार्ट कर दी है, घी रख दिया है तलने के लिए, घी हो जाएगा। अब इसमें अपना प्याज का छोक एक गया अंदर, मैं इसको अच्छी तरह ला देता हूँ। सो गाइस छो कंप्लीट हो गया, देखो कैसे ब्राउन ब्राउन प्याज हो गया। अब इनमें मैगी घेरते हैं, अपनी मैगी का पैकेट पाटते हैं। चलो गाइस मैगी बाहर आ गई है, तीन मसाले, पानी मैंने इसमें डाल दिया। पहले मसाले डालते हैं फिर वो करते हैं। गाइस मैंने मसाला डाल दिया, मैगी डाल दी, पर दो ही मसाले डाले, अभी एक छोड़ दिया, अभी बाकी मैगी ऊपर डालेंगे, अपनी मैगी बन जाएगी। लगता है मुझे और पानी घेरना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? आप कमेंट करके बताना मुझे घेरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तब तक तो पुरानी हो जाएगी यार मैगी बनकर। नहीं थोड़ा सा घेर लेता हूँ बिल्कुल, है ना? गाइस देख सकते हो आप, बिल्कुल मैगी पूरे पानी में बिल्कुल सेट हो गई है, बिल्कुल जैसे प्रेत से ले एक लेयर सी हो गई है।
बिल्कुल अच्छी तरह एक मसाले से ऊपर छिड़क दिया मैंने, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अब ये बहुत टेस्टी मैगी बनेगी, बिल्कुल पहाड़ी मैगी की तरह। यस चलो अब बनाते, इसको ढक देते हैं, फिर अच्छी तरह जल्दी बन जाएगी। तो गाइस अपनी मैगी की प्रक्रिया चल रही है, वो बन गई यार, ये तो नीचे जल रही है शायद। चलो अब इसको प्रिपेयर करते हैं अच्छी तरह। अपनी मैगी रेडी हो गई है, मैंने ये मेरी है, ये पापा की है। चलो सर्व करते हैं और डिजर्व करते हैं, चलो खाते हैं। आज मैंने मैगी खा ली, बहुत टेस्टी मैगी थी। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को बाहर निकलेंगे। अब तो ज़्यादा धूप हो गई है, शाम को ही घूमने फिरने चलेंगे। अब थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, 2-3 घंटे में फिर चलते हैं। तो गाइस वो वहाँ पर बंदर गुरखी गाल रहा है, और यहाँ पर ये टीनू उसको पाड़ने आई थी, पर पाड़ ही नहीं रही, डर गई उससे। ये क्या हो गया गाइस, शाम का टाइम हो गया है। अब मैं प्रतीक के पास आ गया हूँ, इसका अब ये बरसम काटेगा। तो कैसे दुखी हो रहा है बेचारा, कितना हार्ड वर्क की, मुझे इस पर दया आ जाती है, फिर मैं इसका काम करवा देता हूँ सारा। गाइस मैंने और प्रतीक ने बरसम काट लिए, अब मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, फिर घूमने फिरने चलते हैं थोड़ी देर में बाद, पीते हैं चलो कोल्ड कॉफ़ी। ये टीनू फैमिली आ गई है, अरे तुम मेरे में आ जा। और ये टीनू उछला गणी यार, टूटे बेटा बेटा टूटे, अमर बेटा टूटे, अमर बेटा टूटे। ये गल खेलना बहुत मजा, एक नंबर की फुर्तीली छोरी है ये, पुष्ट ठाक है। देख हाँ खा ले तू, खा ले तू पहला खा ले। गाइस अब शाम का टाइम, बहुत अच्छा मौसम हो रखा, देख सकते हो आप, धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडा मौसम, अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ मैं। और अब घूमने फिरने चलते हैं, रोहित भी आ रहा है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस हमारे गांव के बच्चा पार्टी, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में, कोई कच्चा ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कच्चाधारी बन के आ गई है सारे के सारे, तीनों के तीनों। और बीच में तन्नू डॉन चल रहा है, और ये बाइक वाला मुझे ठोक देता भी, तन्नू डॉन बीच में, तन्नू 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 तन्नू। तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, देखो कैसे आ रही हरियाली यहाँ पर, और सामने सूरज, और अच्छी अच्छी हवा चल रही है सफेद, बिल्कुल अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ पर हमारे। गाइस हमें यहाँ पर क्यूट क्यूट पिलूरे मिले, बिल्कुल देखे भागे भागे डर के, बिल्कुल गब्बू छोटे मोटे कितने प्यारे, देख वाओ। गाइस मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, वहाँ पर बंकू भैया की साइकिल खड़ी थी, मैंने वहाँ से उठाकर ये यहाँ पर रख दी। अब वो टोंदा फिरेगा और मुझे फ़ोन करेगा फिर। पर आते मुझे एक खुशखबरी मिल गई, हमारा न्यू फैमिली मेंबर आ गया, देखो न्यू फैमिली मेंबर गाइस, हमारी न्यू भैंस, बिल्कुल अभी तो ये इसका बच्चा नहीं हुआ, अभी बच्चा होगा इसका कुछ दिनों में, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मोटी ताज़ा, टोकना लगे इसको, और ये बहुत ही अच्छी है, देखो मार भी नहीं रही बिल्कुल नए को। तो ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर, अब ये आ गया एक, और एक टीनू फैमिली थी, अब एक न्यू फैमिली और आ गई। इसका नाम मुझे सोचा है शीनू, इसका नाम रख देते हैं हम शीनू, शीनू अच्छा नाम, टीनू शीनू दो दो हो जाएंगे, है ना। अब इसके लिए हम बरसम लाते हैं यार, क्योंकि टूड़ा तो है, फिर हरा तो खाना चाहिए ना भैंस के लिए, हरा चारा बहुत अच्छा होता, तो अभी लाते हैं चलो। हम खेत में आ गए हैं, और प्रतीक अब अपना काम स्टार्ट करेगा, ठाले भाई चल ला चल, ला ला डराती रही आप तो मैं पकड़ा दूंगा, ला थोड़ा सा ला जा, थोड़ा आ जा। सो गाइस अब हमारी डराती नहीं मिल रही, अंधेरे में कहां पर पोपट हो गया हमारा, यहां पर तो पता नहीं कहां पर खुग जाती है, एक बार और खुगी थी, अब काटते काटते दिखती नहीं कहां पर गई, अज बड़ी नटखट डराती भाई, तब ओ यार इसे मार रही है, ये भी दिखी है काट दे उस। गाइस खेत में से आ गए थे, पूजा कर ली, नहा लिया, और शीनू के नीचे भी रेत डाल दिया, क्योंकि गाय भैंस रेत के बिना नहीं बैठने, रेत पर बैठने को अच्छा लगता है, इसलिए उनके नीचे रेत गिर दिया, अब खाना खाते हैं चलो।
गाइस अपना खाना आ गया है, आलू की सब्जी, घी मारकर, रोटी, दूध। चलो खाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, मैंने खाना खा लिया है, अब एडिटिंग करूँगा, फिर सोऊंगा। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, हमारी नई भैंस भी आ गई। अब वो मतलब करीब 10-20 दिन में वो डिलीवरी हो जाएगी उसकी, आप समझ के उसका बच्चा हो जाएगा बेबी। तो आज का व्लॉग ये प्रेजेंट करता हूँ मैं। आपको लोग पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।